मार इतना हुआ कि किसी का सर फटा है, किसी का मुंह टूट गया है, ईटा पत्थर हो गया पूरा जोर से, रील्स क्रिएटर को भी चोट लगा है। और बीच में बदनामी होगा किसका? आशीष का। हम सबको 100 बार बोले कि देखिए बुरा लग जाएगा, सबको गेट खोल दीजिए, सबको अंदर आने दीजिए, क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रील बनाएगा, लेकिन कोई नहीं सुना। बस आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी भाई बाहर थे उसके लिए खास करके मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग बुरा ना मानिएगा, इसमें आपका आशीष का कोई दोष नहीं है। हम हमेशा रिक्वेस्ट किए थे कि बुला लो सबको बुला लो, लेकिन कोई एक नहीं सुना। रिजल्ट ये निकला कि लास्ट में मार हो ही गया। चलिए ठीक है, मुझे भी पैर में चोट लगा है, हम भी थोड़ा जाते हैं ट्रीटमेंट करवा लें, उसके बाद फिर हम आते हैं लाइव एक दिन फ्रेश से। तब तक के लिए हम विदा लेना चाहता हूँ। बड़ा घटना हुआ है आज मेरे साथ। दरअसल आज इवेंट तो था मेरा एक ठो नमः इंटरटेनमेंट के माध्यम से, और वही इवेंट शो में थोड़ा मारपीट हुआ है। अब मारपीट इसलिए हुआ है कि कुछ क्रिएटर्स थे रील्स वाले, जो कि उसका नाम लिस्ट में नहीं था, तो जो मैनेजमेंट वाले थे उसका कहना था कि गेट लगा दिया जाए। जब हम गाड़ी से आए उतरे वहाँ पे, तो जितने भी प्यारे प्यारे भाई थे वहाँ सब बोल रहे थे कि हमको अंदर जाना है। मुझे तो अंदर ले गया सब खींच के, और फिर जब हम वहाँ से रूम में जाके भी कम से कम 100 बार सबको बोले कि सबको अंदर बुला लीजिए, लेकिन कोई एक नहीं सुना। दुनिया भर सब कोई जो भी भाई वहाँ आए थे सबों को बुरा लगा। मार इतना हुआ कि किसी का सर फटा है, किसी का मुंह टूट गया है, ईटा पत्थर हो गया पूरा जोर से, रील्स क्रिएटर को भी चोट लगा है। और बीच में बदनामी होगा किसका? आशीष का। हम सबको 100 बार बोले कि देखिए बुरा लग जाएगा, सबको गेट खोल दीजिए, सबको अंदर आने दीजिए, क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रील बनाएगा, लेकिन कोई नहीं सुना। बस आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी भाई बाहर थे उसके लिए खास करके मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग बुरा ना मानिएगा, इसमें आपका आशीष का कोई दोष नहीं है। हम हमेशा रिक्वेस्ट किए थे कि बुला लो सबको बुला लो, लेकिन कोई एक नहीं सुना। रिजल्ट ये निकला कि लास्ट में मार हो ही गया। चलिए ठीक है, मुझे भी पैर में चोट लगा है, हम भी थोड़ा जाते हैं ट्रीटमेंट करवा लें, उसके बाद फिर हम आते हैं लाइव एक दिन फ्रेश से। तब तक के लिए हम विदा लेना चाहता हूँ।